Today, we solve numerical problem 7.9. Question पे ध्यान देना बेटा. Two equal coil, each of radius 8 cm and 100 turns are arranged coaxial. आपके पास बेटा दो equal coil है. ये first coil और ये हमारी second coil. दोनों coil का radius कितना है? 8 cm. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 10^-2 meter. तो इसका रेडियस भी कितना है बेटा? 8 × 10^-2 meter. और दोनों कोएक्सियल है. कोएक्सियल का मतलब दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस पे है. फर्स्ट का सेंटर O1 कंसीडर कर लिया, सेकंड का सेंटर कितना बेटा? O2 आपके पास है. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 cm. इन दोनों कोइल के सेंटर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 12 cm है आपके पास. क्लियर है? ए 1 ampere करंट फ्लो इन ईच कोइल इन द सेम डायरेक्शन. दोनों कोइल में एक 1 ampere का करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है आपके पास. देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम ऑन एक्सियल लाइन. तो उसकी जो एक्सियल लाइन है, ये इसका एक्सिस लाइन है, इसके सेंटर मिड पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले ये बताओ, ये जो मिड पॉइंट है ये फर्स्ट एक्सिस से या फर्स्ट कोइल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? टोटल कितना है? 12. तो इसके हाफ में है, डेट में मिड में है, तो ये कितना होगा? 6 cm. और ये भी कितना होगा बेटा? 6 cm. ठीक है. अब एक चीज सोचो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था. फॉर्मूला ये है बायो सावर्ट का, थर्ड एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी किया था. उसमें देखा था एक कॉइल है जिसका रेडियस कितना? R. इसमें टर्न्स कितने बेटा? N. यहाँ पे टर्न्स आपके पास गिवन है कितने बेटा? 100. और ये टर्न्स मैंने लिख दिए आपके पास. टर्न्स कितने मान रहे हैं बेटा? N. सेंटर कितना? O. और एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है बेटा? पी. तो इस पी पॉइंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो कितना था? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर कितनी? 3/2 आपके पास है. बात क्लियर है इतनी सी आपके पास? अब फोकस इस बात पे करें आप लोग कि ये पॉइंट है. ये चीज सोचें कि ये फर्स्ट कॉइल है. क्या दोनों कॉइल में करंट की वैल्यू सेम है? यस. दोनों कॉइल का रेडियस सेम है? यस. और दोनों कॉइल की वजह से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो इन दोनों कॉइल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. इससे भी 6 cm पे है, तो इससे भी कितना है? 6 cm ही आपके पास. जब डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, रेडियस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट दोनों का क्या आएगा? सेम. डेट मीन अगर फर्स्ट कोइल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 है और सेकंड की वजह से B2 है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इक्वल. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है? टर्न्स दोनों के सेम है, करंट दोनों की सेम है, रेडियस सेम है, और जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है एक्सियल का वो डिस्टेंस भी क्या है? सेम. डेट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कोइल का होगा वो ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कोइल का भी होगा. ये बात आपकी क्लियर है? दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे. अब इस पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड है? 2. मुझे टोटल चाहिए तो मैं बोलूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. ए चीज बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट की. अगर आपके पास इस कॉइल में भी करंट इसी डायरेक्शन में है और दूसरे कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इनके पॉइंट पे, इनके बीच का जो पॉइंट होगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी बेटा? सेम. क्योंकि जब करंट की डायरेक्शन सेम तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी. और ये डायरेक्शन हमने हेल-होल्म्ज कॉइल जब पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने स्टडी किया था डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. ये हम बोलेंगे कि B1 B2 सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम बोलेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे? 8. बट B2 किसके बराबर है? B1 के. तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल सकते हैं? 2B1. क्योंकि B2 को क्या लिख सकते हैं? B1.
बी टू को बी वन लिख देंगे तो बी वन प्लस बी वन कितना हो जाएगा, टू बी वन, बी नेट कितना होगा टू। अब बी वन की वैल्यू निकालो तो बी वन के लिए फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, म्यू नॉट मल्टीप्लाई टंस, टंस कितने लिए बेटा 100, मल्टीप्लाई बाई करंट, करंट कितनी है 1, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस कितना है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर रेडियस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए 10 की पावर माइनस 2 का क्या स्क्वायर आपके पास है, और इनका होल पावर क्या चल रहा है 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, म्यू नोट, म्यू नोट की वैल्यू 4/10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 100, 1 का कोई मतलब नहीं है, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, पावर पे पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 4। अब ये 100 इससे कट कर दो कितना बचेगा माइनस का 5, अब बताएं सॉरी नीचे भी तो है ना, 8 का स्क्वायर कितना 64, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 10 की पावर माइनस 4 की होल पावर कितनी चल रही है बेटा 3/2। सॉल्व आउट करें इसको, बी नेट इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आपके पास 64। अब ये 10 की पावर माइनस 5 और माइनस 4, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस 9 अपॉन, देखो 10 की पावर माइनस 4 तो दोनों में कॉमन है, जब 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा 64 प्लस 36 मतलब कितना 100, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 की होल पावर क्या चल रही है 3/2। अब ये 100 है तो कट कर दो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 2 आपके पास बचा। अब आगे मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 64, तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा 803.84, ठीक है 10 की पावर क्या चल रहा है माइनस के 9 डिवाइड बाई, यहां क्या बचा 10 की पावर माइनस 2। अब ये जो 10 की पावर माइनस 2 यहां बचा है इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, भाई 10 की पावर माइनस 2 इसके बराबर है कि नहीं, पावर पे पावर पावर मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2, डेट में इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर की होल पावर कितनी चल रही है 3/2। अब पावर पे पावर आती है तो पावर क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 803.84, 10 की पावर कितना माइनस 9, अब पावर पे पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे 3/2 से, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितनी पावर बच जाएगी बेटा क्यूब। अब आपको क्या करना है माइनस 1 का क्यूब ओपन करना है, ये कितना होगा 10 की पावर माइनस 3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना माइनस 3, सॉल्व आउट करें माइनस का कितना बचेगा 6, अब ये हो गया 803.84 10 की पावर माइनस 6 आपके पास। अब ध्यान दे बेटा आपको क्या करना है 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो ये हो जाएगा 8.0384 और 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2, क्योंकि पॉइंट जब दो बार लेफ्ट में खिसकेगा आपके पास तो उतना ही पावर में प्लस करना पड़ता है, तो माइनस 6 में प्लस 2 करेंगे तो ये कितना होगा माइनस का 4। अब इसको अगर मैं राउंड फिगर करूं तो 8.0, अब ये 8 है इसकी वजह से इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 4, 10 की पावर कितना माइनस 4, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है तो यूनिट क्या रहेगा बेटा टेस्ला, डेट इज अवर आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।